नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। आज 21 सितंबर 2024, मैं हूं संजय सिंह महान और आज हम आपके लिए लाए हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरें। तिरुपति मंदिर प्रबंधन बोला, प्रसाद में जानवरों की चर्बी थी। जगनमोहन रेड्डी का आरोप, सीएम नायडू ने जुलाई की लैब रिपोर्ट दिखाई, तब वे खुद सीएम थे। सीएम आसी की शपथ आज, दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री होंगी, तीसरी बार महिला को कमान। कैबिनेट में 4 पुराने मंत्रियों समेत एक नया चेहरा। मणिपुर में म्यांमार से 900 को की उग्रवादी घुसे। सुरक्षा सलाहकार बोले, इन्हें ड्रोन मिसाइल हमले ट्रेनिंग मिली। इस महीने मेतई गांव में हमले की आशंका। प्रियंका गांधी बोली, प्रधानमंत्री को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, नड्डा के बजाय खुद लेटर लिखते। शिष्टाचार से बढ़कर कुछ नहीं होता। केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाई, कहा आईटी एक्ट में संशोधन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। भुवनेश्वर में थाने में आर्मी ऑफिसर की मंगेतर का यौन उत्पीड़न। पीड़िता का आरोप, मेरे हाथ पैर बांधे कपड़े उतारे, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक। यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने वाले वीडियो हुए लाइव, यूट्यूब ने चैनल किया बंद। चुनाव के बीच अचानक हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी, अमेरिका में घायल हुए युवक के परिजनों से मिले, वीडियो कॉल पर बात भी कराई। अहमद तुम कैसे हो, तुम्हारी रीना एनसीईआरटी के पाठ पर विवाद। छात्रा के पिता बोले, ये लव जिहाद को बढ़ावा देने की साजिश, मेल भेज कर की शिकायत। किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को नौकरी। कृषि मंत्री ने 30 लोगों को सौंपे नियुक्ति पत्र, मेरिट के आधार पर मिले पद। गुरुग्राम में एसयूवी कार की बाइक से टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत, गिरफ्तार हुए कार चालक को मिली जमानत। हिमाचल में मस्जिद विवाद में प्रदर्शन, धर्मशाला में व्यापारियों ने बंद रखा बाजार, मंडी में अवैध मस्जिद का बिजली पानी काटा। मोदी 3.0 के अगले 100 दिन में 15 लाख करोड़ की योजनाएं फिर शुरू होंगी। 200 दिन में 30 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की है प्लानिंग। रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन। 31 खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यूपी सरकार देगी अवार्ड। लखनऊ में बेकाबू कार ने 5 को रौंदा, 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी आया वो उसे टक्कर मारी, पुलिस पब्लिक पीछे भागती रही। होटल सेगमेंट का सबसे बड़ा आईपीओ लाएगी लीला पैलेसेज। कंपनी का पब्लिक इशू से 5000 करोड़ जुटाने का प्लान। सेबी के पास जल्द फाइल करेगी ड्राफ्ट पेपर। आपका खबरों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।